खड़ू सास का अंग्रेजन बहू और काली बेटी पर जुल्म। अरे ओ चिमार की काली चुड़ैल टाको, काम दिखाई नहीं देवत है का तुझको, का सारा दिन ही फोनवा में घुसी रहवत है। अब का हुई गवा माँ, आपको तो तन को भी चैन नहीं है, आखिर काहे हमार पीछे ही लगी रहवत हो सारा सारा दिन। क्या करे बिटिया, यू जो पर बैठा है ना भगवान, उन्हें हमका छठी छठाई औलाद जनी है, जिनके अंदर बहुत टैलेंट भरो है। एक तो कलुआ शक्ल लेकर पैदा हुई हो, और देखो तो सही, काम चोरी करते हुए तन को भी नकटी नहीं होवत हो। फुलवा को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बातें सुनकर काम काज करने पड़ते हैं। दया की बेटी फुलवा रंग रूप में बहुत सांवली थी, जिसकी वजह से दया को अपनी बेटी जरा भी पसंद नहीं थी, बस उसे अपना बेटा ही बहुत पसंद था, क्योंकि वो रंग रूप से दया के ऊपर गया था। वहीं दया का बेटा शहर में काम किया करता था और वीकेंड पर अपने घर अपनी गाँव की माँ और बहन से मिलने आया करता था। हाँ माँ, कैसी हो आप? दरअसल मैंने पैसे आपके अकाउंट में भिजवा दिए हैं, मैं इस बार घर पर नहीं आ पाऊंगा। माँ, आपको खर्चा चाहिए होगा तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। फोन पर अपने बेटे अंकित की ये बातें सुनकर उसकी माँ दया उससे कहती है, अरे बेटवा, शहर का पानी बहुत चढ़ गया है का, तुहार समझ का ये नहीं आवत है, तुहार माँ का कलेजा फटे जा रहा है। जब तक हम हमरे जिगर के छल्ले के टुकड़े को अपनी दोनों आँखों से ना ही देख लेते, तब तक हमार मन नहीं लागत है बिटवा। अरे माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो, लगता है नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। माँ माँ, क्या कह रही हो आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अनिकेत ऐसा कहते कहते फोन ही काट देता है, जिसके बाद वो एक आइसक्रीम वाले से चौको आइसक्रीम लेकर अपनी अंग्रेजन पत्नी के पास पहुंच जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से गांव के लड़के की पत्नी अंग्रेजन कैसे बनी। चलिए ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाया जाए। तो ये शुरू हुआ था तब जब अनिकेत को शहर में नौकरी करते हुए एक महीना गुजर गया। ये बॉस का चमचा हमेशा अपनी फाइल इतनी अट्रैक्टिव कैसे बना लेता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। कौन सा अलादीन का चिराग है इसके पास? भाई अलादीन का चिराग तो नहीं, लेकिन अंग्रेजन मैडम जरूर है। वो देख, उस अंग्रेजन मैडम का पूरा सपोर्ट है इस चमचे को। अनिकेत ये देख हैरान ही रह जाता है। उसी हफ्ते अनिकेत के ऑफिस में एक फॉरेन से अंग्रेजन लड़की आती है। ओह वाओ, ये इंडियन ऑफिस तो बहुत अच्छा है, तुमको मालूम है हम कब से इंडियन लोगों के साथ वर्क करना चाहते थे। सभी को एलिना बहुत पसंद आती है। एलिना का बर्ताव बहुत पोलाइट था, जिसके चलते अनिकेत मन ही मन सोचता है, इस चांस को मैं हाथ से तो नहीं जाने दे सकता, मुझे एलिना को पटा लेना चाहिए इससे पहले उसके ऊपर कोई और चांस मारे। अनिकेत अपनी अच्छी अच्छी बातों से एलिना को पटा लेता है, लेकिन एलिना का इतना अच्छा बर्ताव देखकर उसे खुद ही उससे प्यार हो जाता है। वहीं एलिना अनिकेत को आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से अनिकेत बहुत जल्दी अपने ऑफिस में प्रोग्रेस कर लेता है, जिसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगता है और शहर में ही एलिना से शादी भी कर लेता है। तो ये था अनिकेत का एलिना से शादी करने तक का सफर। लेकिन आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में अनिकेत को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन अनिकेत अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, तभी उसका बॉस शेखर उसके पास आता है और उससे कहता है, अनिकेत मुझे तो मेरे केबिन में 10 मिनट में मिलो। शेखर के कहने पर ठीक 10 मिनट पर अनिकेत उसके ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां शेखर अनिकेत से कहता है, हमें सब पता चल गया अनिकेत, हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तुमने एलिना का सपोर्ट लेकर इस कंपनी में अपनी जगह बनाई है, लेकिन इस काम चोरी को हमारी कंपनी नहीं रखती, इसलिए ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर, अब से तुम यहाँ काम नहीं करोगे। तो इस प्रकार बेचारे अनिकेत को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अनिकेत बहुत नौकरी ढूंढता, लेकिन दोबारा उसको कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती। शहर में उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वह अपनी अंग्रेजन पत्नी को अपने साथ अपने गांव ले आता है, जहां दया पहले अपने बेटे अनिकेत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आरी मोरी मैया, आई तो हमार लल्ला है, जारी कलमुहिन काले मुंह की काहे यहाँ खड़ी है, जा जाके अपने भाई के लिए गिलास पानी हाथ धोकर लेकर आना। दया खुशी के मारे सिर्फ अपने बेटे को ही देख पाती है, लेकिन घर में आने से पहले अलीना अपनी सास के पैरों को छूती है। प्रणाम माँ जी, आपका आज अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुशी मिल रही है। चलो माँ, अपनी बहू और अपने बेटे को ऐसे ही देखती रहोगी या अंदर भी बुलाओगी?
दया एलिना को देखते ही रह जाती है। उसने अपने बेटे की शादी की कल्पना भी नहीं की थी। आय लला, यू का बवाल ले आयो शहर से। अरे आई बिलायती कौन है, आय इसकी गोरी चमड़ी तो देखो। तभी वहां पर फुलवा भी आ जाती है और एक सुंदर सी अंग्रेजन को देखकर हैरान रह जाती है। भैया ये कौन है, हमने ऐसी फॉरेन की लड़की जिंदगी में कब ना ही देखी। इसकी खूबसूरती पर तो मैं भी फिदा हो गया बहन। ये तुम्हारी भाभी है एलिना। सुनो एलिना, ये मेरी सिस्टर है फुलवा। हेलो फुलवा, तुम बहुत प्यारी हो। चलो भाभी, हम तुम्हार कमरा तो का दिखाई देवते। फुलवा एलिना को अपने साथ अनिकेत के कमरे में ले जाती है। वहीं दया अपने बेटे से गुस्से से कहती है, अरे तुम्हार मति भ्रष्ट हुई गई है का, तो का हमारी इज्जत दिखाई देवत है या नहीं। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? एक तो आपके लिए एक अच्छी सुंदर और प्यारी सी बहू लेकर आया हूँ, लेकिन आपको इसमें भी दिक्कत है। अरे गांव के लोग हमका तोहार बहन के लई कम सुनाते थे का, जो अब ये गोरी चुड़ैल इस घर में ले आए। किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है माँ, छोड़ो ना, चलो अब अपने हाथों से मेरे लिए बढ़िया से लिट्टी चोखा बना दो। दया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, जिसके चलते वो सभी चीजों को कुछ पल के लिए एक तरफ रखकर अपने बेटे के लिए लिट्टी चोखा बना देती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बहू से जाकर कहती है, ओ अंग्रेजन मैडम, तो का लागत है कि घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी। चलो बाहर आंगन में चूल्हा है, जाओ रोटियां बना के लाओ। बेचारी एलिना को चूल्हा जलाना भी नहीं आता था, और ऊपर से उसकी खड़ूस सास उसके पहले दिन पर ही उससे चूल्हे पर रोटियां बनवाने लगती है। वहीं जब दया अपनी सांवली बेटी फुलवा को आराम से बैठे देखती है, तो वो उससे कहती है, ओहो देखो तो बेशर्मी की हद पार कर रखी है बिटिया तोहार आलस ने। अम्मा अब का हुआ, अब का हम थोड़ी बहुत देर चैन से बैठ भी नहीं सकते हैं का। गर्मा गर्म चिमटा पिछवाड़े लगेगा तो बैठना भूल जाओगी समझी का। अब झाड़ू पोछा उठा लो बिटिया और घर की साफ सफाई करो, ना ही तो चटिया देंगे तो हर काले काले गालन को। अपनी खड़ूस माँ के चिल्लाने पर बेचारी फुलवा दोबारा घर की साफ सफाई करने लगती है। इस प्रकार दया अपना सारा खड़ूसपन अपनी बहू और बेटी पर निकालती रहती है, लेकिन उसकी बेटी और उसकी बहू उसे कभी कुछ नहीं कहती, जिसके चलते कुछ समय यूं ही बीत जाता और एक दिन दया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं, देखिए अब इनकी उम्र हो चुकी है और इनकी बीमारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा, अब तो बस आप अपनी माँ की देख रेख करके ही देख लो, अगर इनकी हालत में कोई सुधार आ जाता है तो, वरना इनके जीने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। मैं तो यही कहूंगा कि आप इन्हें हमेशा सोने का आई इंजेक्शन लगवा दो। डॉक्टर साहब ये कैसी बातें कर रहे हो, हमार माँ को कछु नहीं हुआ, हम उनकी देख रेख करेंगे, बहुत जल्दी हमार माँ ठीक हो जाएंगी। हाँ निकेत, सासू माँ कहो कुछ नहीं होगा, तुम मुझे और फुलवा कहो इनकी देख रेख करने दो। दया बिस्तर पर बेहोश पड़ी होती है, लेकिन उसे सब महसूस हो रहा होता है। वो उसकी काली बेटी और उसकी अंग्रेजन बहू उसकी बहुत अच्छे से देख रेख करती हैं, जिसके चलते एक ही महीने में दया बिल्कुल तरोताज़ा तंदुरुस्त हो जाती है, और बीमारी से उठते ही उसे अपनी बेटी और बहू की अच्छाई देख अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो उनसे माफ़ी मांगती है। हमका माफ करी दो तुम दोनों, हमने तुमको बहुत सताया। तो का हुआ माँ, आप हमार माँ हो, कछु भी कर सकती हो। नो प्रॉब्लम सासू माँ, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उस दिन के बाद से दया अपनी बहू और बेटी के ऊपर अपना खड़ूसपन हमेशा के लिए खत्म कर देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तनुजा का रंग बहुत ज्यादा काला था, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने रंग की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, और इसी के चलते उसकी माँ उसे बहुत सुनाया करती थी, अरे जब देखो तो इस कमरे के अंदर ही पड़ी रहती है, इस कमरे के बाहर भी एक दुनिया है, क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ मेरा कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती करती हो। हे भगवान, मैं तो तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, तुझे देखने वाले आ रहे हैं, अब चुपचाप जल्दी से तैयार हो जा, और हाँ थोड़ा सा मेकअप कर लेना अपने इस काले पीले चेहरे पर। फूलन देवी की बातें सुनकर बेचारी तनुजा को बहुत दुख होता है, वो अपने काले रंग से पहले ही बहुत परेशान थी, ऊपर से उसकी माँ भी उसे रोजाना उसके रंग को लेकर बहुत ताने दिया करती थी। वहीं फूलन देवी जितनी भी कोशिश करती तो भी वो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं लगा नहीं पाती।
बहन जी, आपकी लड़की का रंग तो बहुत ज्यादा काला है और मेरा बेटा बहुत सुंदर है, गोरा है। मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मुझे माफ करना, ये मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये रिश्ता आपके साथ नहीं जोड़ सकती। अच्छा बहन जी, चलती हूँ यहाँ से। अंकिता ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फूलन देवी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा अपनी बेटी के ऊपर निकाल देती है। ये देख ले मनहूस, तेरे इस काले रंग की वजह से तेरा कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा, और कब तक मेरी छाती पर यही पड़ी रहेगी। फूलन देवी के ऐसे ताने उसके पांचों बेटे सुन लेते हैं, जिसके बाद वो पांचों अपनी माँ से कहते हैं, माँ आप इस तरह हमारी बहन को क्यों बोलती हो, उसको कितना बुरा लगता होगा। माँ, काला रंग तो सिर्फ कहने की बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर देखना, एक ना एक दिन मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे घराने में होगी। आप बस थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ तनुजा, अपने कमरे में चली जाओ, माँ अभी बात करने के मूड में नहीं है, हम उन्हें समझाते हैं। तनुजा आंखों में आंसू भरे अपने कमरे में आ जाती है। वहीं वो पांचों अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन समझने की जगह उनकी माँ उनसे कहती है, बहुत ढूंढ लिया मैंने उसके लिए लड़का, लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी बहन के लिए कोई लड़का नहीं देखने वाली। अब मैं 5 लड़कियां ढूंढूंगी जिनसे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, कम से कम तुम्हारी शादी हो जाए। उसी दिन से फूलन देवी ये ठान लेती है कि वो अपने पांचों बेटों की शादी करवा कर ही रहेगी, जिसके चलते वो पंडित को घर पर बुलाकर उन्हें अपने पांचों बेटों की कुंडली दे देती है और उनसे अपने बेटों के लिए लड़का ढूंढने को कह देती है। पंडित भी बहुत जल्द 5 लड़कियों का रिश्ता लेकर फूलन देवी के पास आता है। ये लो बहन जी, जैसे रिश्ते आपने कहे थे बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। ये 5 लड़के अमीर घर से हैं और आपके परिवार को टक्कर देने लायक है। बस यही तो चाहिए था पंडित जी, कि मेरे बेटों के ससुराल वाले हमारी टक्कर के हों, जो कि आपने ढूंढ लिया है। चलो अब रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ, मेरे 5 बेटों में कोई कमी नहीं है, मेरे 5 बेटे उन्हें बहुत जल्द पसंद आ जाएंगे। फूलन देवी को अपने बेटों पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसी प्रकार उसके 5 बेटों के ससुराल वाले उन्हें पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। कुछ समय में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन फूलन देवी अपनी 5 बहू का अपने घर पर गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी 5 बहू, बहुत सुंदर लग रही हो। फूलन देवी बहुत अच्छे से गृह प्रवेश कराती है। इसके बाद उसकी 5 बहू घर के अंदर आ जाती हैं। तभी वहां बैठी हुई तनुजा को देखकर फूलन देवी उससे कहती है, यहां बैठी हुई सभी मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही हो क्या? चली जाओ यहां से और अपने कमरे से बाहर मत निकलना। तनुजा का खिला हुआ चेहरा अचानक से मायूसी में बदल जाता है और वो वहां से उठकर जाने लगती है। ये देख फूलन देवी की 5 बहू को बहुत अजीब लगता है। सभी रस्में खत्म होने के बाद फूलन देवी की 5 बहू अपनी ननन से मिलने उसके कमरे में जाती हैं। ननन जी, आप यहाँ बैठी हो, आप तो हमसे मिली ही नहीं, वैसे आप शादी में भी नहीं आई थी, कोई बात हो गई है क्या? अरे नहीं, बस घर को देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, है ना, इसीलिए मैं शादी में नहीं आ पाई। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम 5 जानते हैं कि आप माँ जी की वजह से नहीं आई होगी। मैं तो यही कहूँगी कि मेरी नज़र में तो आप बहुत खूबसूरत हो, और आपकी सादगी को अगर कोई पहचान ही न पाए तो फिर उसका फायदा ही क्या, आप अपनी सादगी के साथ बहुत अच्छी लगती हो। रहने दो भाभी, झूठी तारीफ मत करो, मुझे तो आदत है सबके ताने और हकीकत सुनने की। अच्छा ऐसी बात है, पर अब हम 5 आ गए हैं ना, अब आपको कोई ताने नहीं देगा, ये हमारा आपसे वादा है। तनुजा की 5 भाभी बहुत अच्छी थी, वो 5 ही दिल की बहुत साफ थी और वो तनुजा के साथ बहुत अच्छे से रहा करती थी। वही वो ये देखती है कि तनुजा का ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही वो बंठन कर रहती है, जिसके लिए एक दिन उसकी भाभी उसे कहती है, ननन जी ये क्या आप हमेशा ही ये सारे कपड़े पहन कर रहती हो, सिंपल सूट सलवार, अरे आजकल कितना मॉडर्न जमाना हो गया है, आपको तो और अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े पहनने चाहिए, चेहरे पर थोड़ा मेकअप करना चाहिए जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। आपका कोई दोस्त नहीं है क्या, आप बाहर घूमने नहीं जाती हो? मैं बाहर नहीं निकलती, बाहर जाने पर लोग मुझे काले रंग की चुड़ैल कहकर चढ़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर उसकी 5 भाभी को बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद उसकी 5 भाभी उसके लिए शॉपिंग करने के लिए निकलती हैं और सारा दिन शॉपिंग करने के बाद वो अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर अपनी ननन तनुजा को देती हैं। ये देखो ननन जी, मैं आपके लिए कितनी प्यारी ड्रेस लेकर आई हूँ।
हमने आज आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। ये सब आपके लिए और ये मेकअप का सामान है। आओ हम आपको बताते हैं किस तरह मेकअप किया जाता है। तनुजा की पांचों भाभी उसे एक प्यारी सी ड्रेस पहनाकर उसके चेहरे पर मेकअप लगाती हैं, जिसके बाद तनुजा बहुत प्यारी लगती है। वो अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी प्यारी भी लगती हूँ। सच में आप पांचों ने तो बहुत कमाल कर दिया। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तनुजा ऐसा कहकर अपनी पांचों भाभी को गले से लगा लेती है। तभी वहां पर फूलन देवी दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सब देख लेती है, जिसके बाद फूलन देवी अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं इन्होंने मेरी बेटी को। मुझे तो लगता है ये मेरी बेटी को बिगाड़ कर ही रहेंगी। मेरे होते हुए मैं अपनी बेटी को बिगड़ता हुआ नहीं देखूंगी। इन पांचों को मेरी बेटी से दूर करना होगा। फूलन देवी रोजाना किसी न किसी बहाने से अपनी बेटी के मन में उसकी पांच भाभी के खिलाफ फूट डालना शुरू कर देती है। अरे बेटी, ये सब क्या है? तू ये सब कैसे पहन सकती है? अरे अपने आप को देख, कितनी काली गलूटी लग रही है। ऐसे कपड़े पहनकर तुझे पता है तेरी पांचों भाभी तुझे ये सब करवाने के बाद आपस में तेरे ऊपर हंसती हैं। फूलन देवी तनुजा को बार बार उसकी पांचों भाभी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलती रहती है, जिसके चलते तनुजा को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहती है, चुप करो माँ, अगर आपने एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जब से भाभी इस घर में आई है कम से कम मैं बाहर निकलने लगी हूँ, लोगों से बात करना शुरू कर दिया है। अब तो मेरे फेसबुक पर दोस्त भी बन गए हैं। लेकिन आपके रहते तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऊपर से आप मुझे मेरे रंग रूप को लेकर ताने भी देती रहती हो। कम से कम मेरी पांचों भाभी ने मिलकर मेरी जिंदगी के जीने के तरीके को बदला तो सही। तभी वहां तनुजा की पांच भाभी आ जाती हैं और अपनी सास से वो सब कहती हैं, माँ जी, आपको हमारी ननंद की शादी की बहुत चिंता है, हम समझते हैं। लेकिन आप ये चिंता मत करो, हम अपनी ननंद के लिए अच्छे से अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ लेंगे और उसकी शादी करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। इधर वो पांचों वादा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पांचों का कजन भाई उनसे मिलने घर चला आता है। मेरी प्यारी बहनों, कितने समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये गॉर्जियस लेडी कौन है? वैभव वहाँ तनुजा की बात कर रहा होता है। वैभव को तनुजा बहुत पसंद आती है और वैभव से अच्छा लड़का तनुजा के लिए कोई हो भी नहीं सकता था। वो पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था, जिसके चलते तनुजा की पांचों भाभी वैभव से उसकी शादी कर देती हैं, जिसके बाद तनुजा खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी रंग रूप से किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हर इंसान अपने हृदय से खूबसूरत होता है, ना कि दिखावे से।